आज रोहित शर्मा की उस भयंकर पारी के बारे में बात करेंगे जिसने मैच में धमाल मचा दिया, जिसने श्रीलंका पर ऐसा अटैक किया कि वो सदमे में चले। तारीख 22 दिसंबर 2017, जगह इंदौर, सामने वाली टीम श्रीलंका। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया। बस यही फैसला उनके गले की फांस बन गया। सोचकर तो ये आई थी कि गेंदबाजों की इस पिच पर वो धमाल मचाएंगे, लेकिन आज सोचकर कोई और भी आया था, जिसका नाम है रोहित शर्मा। इंदौर का मैदान तो उन्हें ऐसा भाता है जिस पर उनका बल्ला रुकता नहीं बल्कि आग उगलता है। बस फिर क्या था, आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू। सामने उनके थे केएल राहुल, दोनों ने ऐसी जुगलबंदी की कि श्रीलंका के गेंदबाज पस्त हो गए। 165 रनों तक कोई भी विकेट नहीं गिरा और जब रोहित शर्मा आउट हुए तो स्कोर देखकर आप भी चौंक जाएंगे। 43 गेंद, 61 मिनट बल्लेबाजी, 12 चौके, 10 गगनचुंबी छक्के और रन 118। स्ट्राइक रेट 274.41, इसे कहते हैं बल्लेबाजी। भारतीय टीम ने 165 तक कोई विकेट ही नहीं खोया था और बाद में T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने रखा 261 रनों का टारगेट। इस मैच में रोहित के अलावा केएल राहुल ने 89 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 छक्के और 5 चौके लगाए। इस मुकाबले को टीम इंडिया ने 88 रन से अपने नाम कर दिया। रोहित का चलवा T20 में ऐसा चला कि हर कोई देखता रह गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मैच 35 गेंदों पर उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा कर दिया था। स्टैंड्स पर बैठी उनकी पत्नी रितिका ने उनका उत्साह बढ़ाया, तालियां बजाई, खुशी के आंसू आज भी इस फोटो में आप देख सकते हैं। वाकई रोहित की यादगार पारी हमेशा याद रहेगी। आपको ये पारी कैसी लगी थी अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।